वे अंधे पाप कमाने बैठे हैं। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी, ओम नाम से ऊंचा कोई नामदान नहीं हो सकता जी। स्वर्ग बनाओ अपने घर को, डेरों में क्या रखा है, अपने घर की गऊ पूज लो पत्थर के शेरों में क्या रखा है, पत्थर के शेरों। जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं सत्य प्रकाश, जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं, सब वेदों के विद्वान बने अब तो ऐसे हालात नहीं, इसीलिए मैं सबको सत्य प्रकाश बढ़ाने निकला हूँ, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूँ, ऋषि वर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला। कभी मत भूलिएगा ऋषि वर दयानंद को और उसका अमर ग्रंथ एक कालजय ग्रंथ, जितना प्रासंगिक 1875 में था, जितना प्रासंगिक इसके वाक्य इसके शब्द ऋषियों की दृष्टि में थे, वो सारे वाक्य आज भी जो के तो समाज के अंदर उन्हीं अच्छाइयों को उन्हीं खुशबू को बखेर रहे हैं। इसलिए अपने घरों में, मैं नैनीताल गया था अभी, नैनीताल में कन्या इंटर कॉलेज में जब व्याख्यान हुआ तो मैं आपको बताता चलूं ये वाक्य, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात पर कि उस विद्यालय की लगभग 250-300 बालिकाएं, इंटर कॉलेज था, सारी बालिकाओं ने एक स्वर में हाथ उठा करके कहा कि हम आर्य समाज में जाना चाहती हैं और सत्यार्थ प्रकाश लेना चाहती है। इतनी प्रभावित होकर के ऋषि दयानंद को नतमस्तक करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें सत्यार्थ प्रकाश। मैंने उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा के लोगों से कहा कि सत्यार्थ प्रकाश मंगाइए, और उत्तराखंड प्रतिनिधि सभा के लोगों ने, आर्य समाज नैनीताल और कोटद्वार के लोगों ने उन सत्यार्थ प्रकाश को वहां उपलब्ध कराया। लाइब्रेरी में प्रिंसिपल ने सत्यार्थ प्रकाश रखा और बेटियों को आज यदि कोई बचा सकता है इन विधर्मियों से, इन पापियों से, इन अत्याचारियों से, यदि अपनी संतानों की रक्षा करना चाहते हो तो निश्चित रूप से वेद की शरण में आइएगा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िएगा, निरंतर विचारों में परिवर्तन लाइएगा, तभी कल्याण संभव हो सकता है। इधर से सोना इधर से निकालना, इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। इन सब बातों को घरों में स्थापित करो और अपने जीवन से बच्चों को शिक्षा दो। आज लोग कहते हैं जी बच्चों को बचा लो, अरे बच्चों से पहले माता पिता को बचाओ, माता पिता बचाओ अभियान चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनुकरण कर रहे हैं किसको देखकर, माता पिता को देख करके। जब एक पिता घर में गलत आचरण करता है, पिता घर में दुर्गुण और दुर्व्यसनों से भरा हुआ है, तो बच्चे कैसे सुधार कर सकते हो आप बच्चों। यदि माता दिन रात मोबाइल फोन में घुसी हुई है और स्मार्टफोन हाथ में लेकर के स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट तो सीता थी, स्मार्ट तो कौशल्या थी, स्मार्ट तो केकई थी जिसने उस समय की आर्मी में काम किया। आपको मालूम है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे